वेल हेलो दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग किस्म की होने वाली है, जहां पर हम एक आदमी को देखेंगे जो हाईवे के साइड में बने एक रेस्टरूम में फ्रेश होने जाता है, लेकिन वहां उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती है जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है वेस नाम के एक आदमी से, जो कि कहीं से ड्राइव करके अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हम किसी तरीके का डर देखते हैं। वो बार बार अपने पीछे की रखी सीट पर एक रेड कलर की बॉक्स को देखे जा रहा था। शायद ये बॉक्स ही उसके इस डर की वजह है, लेकिन उसमें आखिर ऐसा है क्या जो वेस को इतना डरा रहा है। इसके बाद वो एक मोटेल के साइड में रुकता है और अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा को कॉल लगाता है, लेकिन तभी उसकी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद वो वहां लगी एक चॉकलेट मशीन से कुछ चॉकलेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। इसलिए उसकी मदद करने के लिए वहाँ एक औरत आती है और उसे चॉकलेट निकाल कर दे देती है, पर जाते जाते वो उसे कहती है कि तुम्हें आराम की जरूरत है क्योंकि तुम थके हुए लग रहे हो, और इसीलिए वेस उस रात उसी मोटेल में गुजारता है। लेकिन आज वो बहुत ही ड्रिंक करता है और आग के पास खड़े होकर उस रेड बॉक्स को खोलता है, जिसमें हम बहुत सारी लड़कियों की फोटोज को देख पाते हैं। वो एक एक करके सारी फोटोज को चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो एक फोटो को अपने पास रख लेता है। असल में वो पिक थी ब्रेंडा की, जिसे वो बेहद प्यार करता है और वो भी उससे उतना ही प्यार करती है। पर ये लड़कियों की फोटोज आखिर उसके पास क्या कर रही है, का जवाब हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। अब सुबह जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि उसने अपनी पैंट तक जला दी है, क्योंकि रात में वो इतने ज्यादा नशे में था। अब वो भागते हुए पास में एक पब्लिक टॉयलेट में जाता है फ्रेश होने के लिए, लेकिन तभी साइड वाले टॉयलेट से आवाज आती है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो वेस कहता है कि हाँ अब बेहतर है। इसके बाद वो उससे कुछ और सवाल करने लगता है, लेकिन यहाँ वेस को अजीब लगता है कि आखिर कैसे कोई आदमी किसी से टॉयलेट में रहकर उससे पर्सनल सवाल कर सकता है। इसलिए वो कुछ देर चुप हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर टॉयलेट पेपर नहीं है। वो भागते हुए बाहर आता है, वरना तब तक कोई और आ जाएगा, पर वहां भी कुछ नहीं था। तभी वो दूसरे टॉयलेट वाला आदमी उसके बारे में और पूछता है और उसका नाम तक पूछ डालता है, जो कि वेस बता भी देता है, जिसके बाद वो अपना हाथ पैर धोता है। लेकिन तभी वो दूसरा आदमी कहता है कि क्या तुम मेरा नाम नहीं जानना चाहोगे। वो हंसते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या नाम है तुम्हारा। वो आदमी बहुत ही वियर्ड वे में कहता है कि मेरा नाम बुलाने के लिए तुम्हें अपनी टंग को बाहर निकालना होगा और उसे पकड़कर मेरा नाम बोलना होगा, तब जाकर तुम उसे सही से बोल पाओगे। असल में उस आदमी का नाम था कैस्टा क्लोनोवा। ये नाम बोल पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इस कहानी में हम इस अनजान आदमी को नोवा के नाम से बुलाएंगे। अब नोवा उसे कुछ और बातें बताता है, जैसे कि तुम उस टॉयलेट के साइड में बनी पिक्चर्स को देख रहे हो, मैं कुछ इस तरह का देखता हूँ क्योंकि मैं एक डेविल हूँ जो अच्छे काम भी करता है और बुरे भी। मैं यहाँ तुम्हारे यूनिवर्स को बचाने के लिए आया हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर वेस कहता है कि लगता है कि तुम मार्वल स्टूडियो के डाई हार्ड फैन हो। तो नोवा इस बात पर गुस्सा हो जाता है। वेस उसे चुप कराते हुए बोलता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, मैंने भले ही रात में ज्यादा पी ली थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो भी बोलो मैं सच मान लूंगा। अब ये बोलकर वो उस पर हंसना शुरू कर देता है, लेकिन नोवा उसे बताता है कि तुम अभी मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन मैं जो चीजें कर सकता हूँ वो शायद तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तभी वेस को अपनी पॉकेट में ब्रेंडा की फोटो मिलती है, जिसे वो किस करता है और फिर वहां से जाने लगता है, क्योंकि अब बहुत हो चुका था। वो पहले ही इतना परेशान था और ये सब बातें उसे और परेशान कर रही थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वो रेस्टरूम के गेट को खोलने की कोशिश करता है, तो वो लॉक हो चुका था, जिसे देखकर नोवा कहता है कि ये मैंने किया है, तुम यहाँ खुद की मर्जी से आए थे पर जाओगे मेरी मर्जी से, क्योंकि अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुनकर वेस को उस पर गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो उसे बुरा भला कहने लगता है और उसके टॉयलेट में झांकना शुरू कर देता है। पर नोवा उसे वार्न करता है कि ऐसा मत करो क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन वो नहीं मानता और उसे देखने लगता है। और जैसे ही वो झुकता है, वो टेलीपोर्ट होकर वॉशरूम के बाहर आ जाता है। उसे लगता है कि वो बच गया, इसलिए वो भागते हुए अपनी कार के पास जाता है और उसमें बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी साइड में ब्रेंडा बैठी हुई मिलती है, जो उससे कहती है कि तुम्हें वहां से बाहर नहीं आना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये बोलते ही उसकी आंखों से कुछ अजीब सी चीजें बाहर आने लगती है, जिससे वेस बहुत डर जाता है। और तभी अचानक से वो फिर से टॉयलेट के अंदर पहुंच जाता है। ये सारी चीजें देखकर वेस बहुत ही परेशान हो चुका था। वो नोवा से पूछता है कि मुझे पता है कि तुम एक सन की किस्म के इंसान हो और तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो, यहां तक कि वो उसे गे तक कह डालता है। लेकिन नोवा कहता है कि मैंने तुम्हें यहां पर नहीं बुलाया, तुम खुद ही यहां आए हो और मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूं। अगर तुम्हें इस बात का अंदाजा लगाना है तो एक बार खिड़की के बाहर जाकर देखो। अब वेस जब बाहर जाकर देखता है तो वायलेट कलर की लेयर रेस्ट रूम के बाहर चारों तरफ फैल गई थी और वो अब टॉयलेट के अंदर भी आ रही थी। अब ये देखकर वो हैरान था कि आखिर ये चीज है क्या। वो नोवा उसे बताता है कि ये शील्ड मैंने बनाई है ताकि अब कोई भी बाहर का आदमी इस रेस्ट रूम को न देख सके और हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अब यहाँ वेस का दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था कि रियलिटी और इल्यूजन में क्या फर्क है, और इसी कारण वो जोर जोर से दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन
उसे नोवा समझाता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारी किस्मत में लिखा था और जो किस्मत में लिखा होता है वो कोई भी बदल नहीं सकता। तभी वेस को उस टॉयलेट के नीचे कुछ ग्लोइंग चीज दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाता है, लेकिन उसे जानना था कि आखिर ये क्या चीज है। अब वो उसके करीब जाता है और उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही अजीब थी, आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ी भी। लेकिन तभी नोवा उसे वार्न करता है कि तुम मुझे देखने की जरा भी कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने मेरा रियल फॉर्म देख लिया तो उसी समय तुम्हारा दिमाग फट जाएगा और तुम मारे जाओगे। इसलिए वो फौरन उसे दूर हो जाता है और उसे यहाँ इतना तो यकीन हो चुका था कि ये कोई इंसान तो नहीं है क्योंकि उसके पैर नहीं थे, लेकिन ये फिर है कौन और इसका मकसद क्या है। तभी यहाँ वेस को एक शेफ दिखाई देती है और वो यहाँ से बाहर भागने की कोशिश करता है। वो नोवा को बातों में उलझाए रखता है और धीरे धीरे करके उस शेफ के बाहर जाने लगता है, लेकिन न जाने कैसे वो दोबारा से उसी वॉशरूम में आ जाता है। अब ये देखकर वेस और ज्यादा परेशान हो चुका था और इसी परेशानी के टाइम पर उसे ब्रेंडा की याद आने लगती है और वो उसकी यादों में खो जाता है। लेकिन वहां भी नोवा उसका पीछा नहीं छोड़ता और उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ मुझ पर फोकस करना है ना कि किसी और पर। इसलिए वो उसे उन यादों से खींचकर बाहर ले आता है, जिस वजह से वेस के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो नोवा कहता है कि तुम मेरी तरह हो, तुमने भी बहुत सारे गलत काम किए और तुमने तो अपने चाहने वालों तक को नहीं छोड़ा और देखो आज तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अपने पास्ट के बारे में सुनकर वेस हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अलावा ये बातें किसी और को पता ही नहीं थी। यहाँ नोवा अपनी बैक स्टोरी बताता है कि आखिर वो कैसे बना और आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। उसका कहना था कि जब ये यूनिवर्स बना था तब यहाँ पर एक गॉड थे जो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन एक दिन उनके बेटे ने उन्हें बीच से काट दिया जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज हुई, उनकी खून की बूंदों से एक और यूनिवर्स बनना शुरू हो गया जिसे कि आज के समय में स्टार और मून बन गए। लेकिन एक दिन वो अपने बेटे से कहती कि वो उसके घाव को भर दे ताकि वो फिर से जिंदा हो सके, लेकिन उनके बेटे ने उनसे वादा लिया कि वो जिंदा होने के बाद इस यूनिवर्स को खत्म नहीं करेंगे और वो उसकी बात मान जाते हैं। लेकिन यहाँ उसके मन में एक दुविधा थी, इसलिए उन्होंने एक दिन एक डेविल बनाया जो आधा गॉड था और आधा डेविल, और आज ये हमारे सामने है जिसका नाम नोवा है। पर नोवा को बनाने के बाद वो कमजोर हो गए क्योंकि नोवा को अब इंसानों से लगाव हो गया था। उसके अंदर का जो गॉड था वो धीरे धीरे करके बाहर आ रहा था और उसने नोवा को फिजिकल फॉर्म में देना शुरू कर दिया, और अगर वो पूरी तरह से फिजिकल फॉर्म में आ गया तो उसे उनका ऑर्डर मानना होगा। वेल दोस्तों, नोवा को इसलिए बनाया गया था ताकि वो इंसानियत और इंसान को मिटा सके, लेकिन धीरे धीरे उसे इंसानियत से प्यार होने लगी और अब वो नहीं चाहता कि वो फिजिकल फॉर्म में आए और लोगों को मारे। और अब यहाँ उसे फिजिकल फॉर्म में आने से सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है और वो है वेस। लेकिन इतनी देर में हम बाहर क्लार्क नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक प्रॉपर्टी डीलर है। उसकी कार की आवाज वेस को सुनाई देती है, इसलिए वो फौरन जाकर गेट के पास चिल्लाना शुरू कर देता है, पर उस आदमी ने ईयरबड्स लगा रखे थे इसलिए उसे कुछ भी आवाज नहीं आती। फिर कुछ देर बाद उसे टॉयलेट जाने का ख्याल आता है और तब तक नोवा ने उस शील्ड को भी हटा दिया था और इसीलिए वो वॉशरूम को देख लेता है। और गेट खुलते ही उसे वहां वेस पूरी हालत में दिखता है जिसके बाद होना गया था। वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी गेट फिर से लॉक हो जाता है और नोवा बोलता है कि वेस ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं, इसलिए बेहतर है कि तुम अभी टॉयलेट में चले जाओ। उधर बाहर क्लार्क के सामने नोवा अपनी असल रूप में आ जाता है और उसे देखते ही उसका दिमाग फट जाता है और उसके शरीर के दो हिस्से हो जाते हैं। उसका दिल सीधा आकर वेस के सामने गिरता है। ये सब देखकर वेस बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए बाहर जाता है। अब उसे खुद की मौत का डर सताने लगा था और इसीलिए वो एक बार फिर से दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन इन सब से कोई भी फायदा नहीं था। जैसे कि नोवा ने पहले ही उसे बता दिया था, ये काम सिर्फ वही कर सकता है और जब तक काम नहीं होता वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और इसीलिए वो बहुत ही हिम्मत करके उससे पूछता है कि आखिर मुझे करना क्या है। तो नोवा बताता है कि तुम्हें मुझे बलिदान देना होगा। नोवा उसे समझाता है कि तुम्हें अपने लीवर का आधा हिस्सा मुझे देना होगा जो कि मेरे फिजिकल फॉर्म को होने से रोकेगा और ये एक रिचुअल की तरह काम करेगा। तुम्हारी सेक्रीफाइस की मदद से हम पूरे यूनिवर्स को बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ वेस मना कर देता है जो कि हर इंसान करेगा क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। तो नोवा उसे कहता है कि सेल्फिश मत बनो, तुम्हें ये करना ही होगा। पर यहाँ वेस उसे अपने पेरेंट की बैक स्टोरी बताता है कि कैसे उसके डैड उसकी मॉम को मारा करते थे जिस वजह से हमारी बहुत ही बेइज्जती होती थी और मैं ऐसी दुनिया के लिए सेक्रीफाइस क्यों दूं जो खुद सेल्फिश है और उसे किसी दूसरे इंसान की परवाह नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मैं क्यों बलिदान दूं। तो नोवा बताता है कि तुम्हें ये बलिदान देना ही होगा, इंसानों का लीवर दोबारा से जनरेट हो जाता है इसलिए तुम मरोगे नहीं। लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। तब नोवा उसे समझाता है कि तुम्हारे ना कहने से पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है, मैं उस गॉड को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, जिन्होंने मुझे बनाया है वो किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन वेस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद यहाँ वेस अपने पास्ट में चला जाता है जहाँ वो अपनी मॉम को देखता है जो उनके डैड की वजह से खुद की जान दे रही है, और अपनी माँ को खोने के बाद से वो हर किसी से नफरत करने लगा था। बचपन से ही उसके अंदर एक शैतान पनप रहा था जो कि बड़े होकर अपनी पीक पर आ गया। और तभी वेस नोटिस करता है कि जो फोटो उसके पास ब्रेंडा की थी वो ब्लर हो गई है और इसीलिए वो नोवा से कहता है कि वो ये काम करने के लिए तैयार है, पर वो पहले एक बार ब्रेंडा को देखना चाहता है। अब यहाँ नोवा उसकी यादें दोबारा से रिस्टार्ट कर देता है और
यहाँ हम दोनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, पर तभी एक दिन हम वैस को किसी का खून करते हुए देख पाते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रेंडा थी, जिसने असल में वैस का वो रेड बॉक्स खोल लिया था जिसमें उसने उन सारी लड़कियों की फोटोज मिल गई थी जिसे वो मारा पीटा करता था और फिर बाद में उनके टुकड़े टुकड़े करके खा जाया करता था। अब ये जानने के बाद वैस ने ब्रेंडा को भी मार दिया। जी हाँ, कहानी की शुरुआत में जो सीन आपने देखा था वो वही था जब वैस ब्रेंडा को मार कर वापस आ रहा था, इसलिए वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था। लेकिन यहाँ अब चीजें बदल गई है, अब धीरे धीरे समय पास आ रहा है, गॉड वॉल को तोड़ना शुरू कर देते हैं जिससे नोवा वैस को कहता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा, वो किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ वैस ने अपना आपा खो दिया था और अब वो उल्टा चीख चीख कर उन्हें बुलाना शुरू कर देता है क्योंकि नोवा उसके दिमाग से उसकी सारी मेमोरीज को इरेज कर रहा था जिसमें उसे बहुत पेन भी होता है, जिससे कुछ देर बाद उस जगह पर दीवारें पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन यहाँ इतने में वैस अपने लीवर को निकाल कर नोवा को दे देता है जिससे कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। वो रेंगते हुए बाहर आता है तो वहाँ वो पहली बार नोवा को देख पाता है जो किसी डेविल की तरह दिख रहा था, पर तभी सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। वैस यहाँ से रेंगते हुए बाहर आता है और रेस्टरूम का गेट खोलता है जिसके कुछ देर के बाद ही वो अपना दम वहीं तोड़ देता है और कहानी खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।